A simple potentiometer circuit is shown in the figure. The internal resistance of the 4-volt battery is negligible. AB is a uniform wire of length 100 cm and resistance 2 ohms. What would be the length AC for 0 galvanometer deflection? चलो चलो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन है. आप यहाँ पे देख सकते हो कि इंटरनल रेजिस्टेंस दी हुई है आपको ये वाली वैल्यू. अच्छा सॉरी, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द 4-volt बैटरी इज नेग्लिजिबल. चलिए ये नेग्लिजिबल है, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस ए बी 100 सेंटीमीटर्स की है और इसकी पूरी रेजिस्टेंस हमको पता है. सबसे पहले मैं यहाँ पे ड्रॉप निकाल लेता हूँ अक्रॉस ए बी. तो वोल्टेज ड्रॉप जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 4, सिर्फ इस वाले सर्किट को कंसिडर करें तो 4 वोल्ट माइनस 2.4 इंटू आई माइनस 2 इंटू आई इज इक्वल टू 0. ठीक है जी, इस वाले सर्किट के अंदर आपकी करंट की वैल्यू जो बन रही है ये बन जाएगी 4 इज इक्वल टू 4.4 आई. आई की वैल्यू आ गई 1 डिवाइडेड बाय 1.1. ऑलराइट, इसको हम 10/11 करके लिख लेते हैं, थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगेगा. चलिए अब हम बोलते हैं कि चलो एसी की कुछ लेंथ, आपको पता नहीं एग्जैक्टली कितनी लेंथ है, इस एसी की लेंथ का जो रेजिस्टेंस हो जाएगा उसको हम बोल देते हैं, इस लेंथ को मैं एक्स बोल देता हूँ. ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर एसी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x into 2/100, तो दैट इज इक्वल टू x बाय 50 ohms. ये हमारा रेजिस्टेंस आ गया. अब फाइनली हम चाहते हैं कि ये नीचे वाले वोल्टेज नीचे वाली बैटरी के साथ बैलेंस हो जाए, तो 1.5 आपका नीचे का रेजिस्टेंस है, वोल्टेज है, माइनस I into R की वैल्यू आपकी है x बाय 50, दिस इज इक्वल टू 0. ठीक है, हमको पता है कि हमारा जो करंट है वो कितना है 10/11, बस इतना ही हमको करंट जनरेट कर देना है यहाँ पर. तो 1.5 इज इक्वल टू 10/11 इंटू एक्स बाय 50. चलो भाई, ये 0 से 0 हटा दिया, एक्स की वैल्यू आ गई 55 मल्टीप्लाइड बाय 1.5, दैट इज इक्वल टू 82.5 सेंटीमीटर्स. दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर. ठीक है,